हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रधान रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, स्पीकर रहे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, या आज आपके माध्यम से कुछ बातें जनता तक पहुंचाएंगे। तो आपसे विनती है कि हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है डॉक्टर साहब, उसको दाखिल कर दे दीजिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करूंगा कि हमारे बुलावे पर आप यहां पर आए हैं हमेशा की तरह। कल ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रधान महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया है अभिषेक, और बयान था वो किस कॉन्टेक्स्ट में था कि जो वापी मस्जिद के ऊपर जो चल रहा है या कुछ कोर्ट में, चाहे वो ताजमहल के बारे में है, चाहे कुतुब मीनार के बारे में है, जो कोर्ट में मसले हैं उनको एक सामने रखते हुए महबूबा मुफ्ती ने भारत की जो अदालत है, यहां का जो जुडिशियल सिस्टम है, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। उन्होंने कहा कि हम और वो, हम वो कहती है मुसलमान और वो, यानी मैं उनसे पूछना चाहूंगा, वो जब कहते हैं कि वो अदालत को भी भू में रखती है, हिंदुओं को रखती है, देश को रखती है, कि हम उनसे कहेंगे कि आप जितने भी हमारी मस्जिदें ले लें, लेकिन हम शांति होनी चाहिए। अरे भाई, जितने भी ये मसले हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं, अदालत बाकी मस्जिद जो वहां पर है काशी में, वो तो अदालत की डायरेक्शन के ऊपर वहां पर वीडियोग्राफी हो रही है। आप इसको हिंदू मुसलमान के तौर पर उस प्रकार का मुद्दा बनाते हुए आप अदालत के ऊपर, ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा रही हो, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का यह आदत बन चुकी है, वो इतनी बुखलाई हुई है कि कोई भी भारतीय संविधान में भारत की कोई संस्था है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है या अदालतें हैं, या फिर सरकार है, उसके ऊपर वो प्रश्न चिन्ह लगाती हैं और हिंदू मुसलमान के आधार पर इस पूरे भारत में जो है आ रही है, क्योंकि उनकी बखलाहट है। 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार का हालात जो है पीडीपी का और महबूबा मुफ्ती का हुआ है, और जो एजेंडा उनका था वो बिल्कुल जो है फेल हो चुका है। आज हम देखते हैं कि कश्मीर में जिस प्रकार से टूरिज्म है, आज वहां पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, भारत के लोग यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग, नौजवान जो है उनको लगता है कि हमें रोजगार मिलेगा। इस बार बहुत ही अच्छा टूरिस्ट सीजन जा रहा है, लेकिन महबूबा मुफ्ती इस तरह की बात करते हुए कि हम तो कहीं भी निवास पढ़ सकते हैं, ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्लेसेस के ऊपर नमाज पढ़ने पर लॉर्ड्स की जो स्पीकर्स हैं उसके ऊपर कोई भी धार्मिक जो उस प्रकार पर चर्चा करने पर जो बैन लगाया है, जिसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, उसको भी एक माध्यम बना के कश्मीर के वो लोग जो अलगाववाद में थे वहां के नौजवानों को, उनको इंस्टिगेट कर रही हैं, और इंस्टिगेट करते हुए वो पत्थरबाजी की तरफ, आतंकवाद की तरफ जो है कश्मीर के नौजवानों को धकेल रही है, जो मैं कहूंगा कि ये देशद्रोह के दायरे में आता है। बेशक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर केस चलाने की जो है उस पर टेम्पररी शायद कोई डायरेक्शन पास की है, लेकिन
महबूबा मुफ्ती को ये समझना चाहिए, ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि केस दर्ज होना और देशद्रोह ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कानूनी प्रक्रिया है, कानून है, इसकी इजाजत नहीं दे सकता देश। एक बात मैं और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि ये वन अपमैनशिप उसका भी मसला है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या ऐसे ही लोग हैं जो इस कंपटीशन में हैं कि जम्मू कश्मीर में जो माहौल जहां बना है शांति का, डेवलपमेंट का, उस माहौल को कैसा बिगाड़ा जाए और उसमें से कौन आगे निकलता है। उनको लगता है कि इससे कश्मीर में उनके वोट बनेंगे आगे आने वाले जो इलेक्शंस में, ये उनकी भूल है। आज जम्मू कश्मीर के लोग, उन्होंने इनको रिजेक्ट किया है और कहीं और पर पाकिस्तान भी यूज कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की भाषा और इन नेताओं की भाषा जो कश्मीरी नेता हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। ऐसे मानो लगता है कि एक मकसद है कि किस प्रकार से भारत को बदनाम किया जाए, भारत की जो संस्थाएं हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, अदालतें हैं, यहां की सरकार है, उसको बदनाम किया जाए। और देखिए संयोग देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जबकि दुनिया जो है रशिया और यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर एक थर्ड वर्ल्ड वार के कगार पर खड़ी है और प्रधानमंत्री जी यूरोप का दौरा कर रहे हैं और सभी को भारत की डेवलपमेंट, भारत में निवेश आए, भारत आर्थिक तौर पर आगे बढ़े, यह कोशिश कर रहे हैं और वर्ल्ड पीस के लिए कर रहे हैं, उस वक्त पाकिस्तान का रवैया और ऐसे जो नेता है उनका रवैया एक जैसा है, तो ऐसा लगता है कि जो एक बहुत बड़ा एक जो है एक षड्यंत्र जो है भारत के, भारत के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी शब्दों में भर्त्सना करती है और यह हम कहेंगे कि आप आ जाइए, अगर वो यासीन मलिक, वो शबीर शाह, वो जो बाकी जो अलगाववादी उग्रवादी थे जो उस वक्त के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, कांग्रेस की चेयरपर्सन या बाकी लोग जिनके वहां गुस्तावे खाते थे उनसे मिलते थे, आज वो वक्त आया है कि वो आज जेलों में हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं, अल्टीमेटली उनको सजा के वहां कगार पर सजाएं होंगी। तो इस वक्त आप अपनी इस बात से बाहर जाइए, क्योंकि अभी भारत जो है देश इस प्रकार की बात को कभी स्वीकार करेगा नहीं और जम्मू कश्मीर के लोग भी जो है इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के लोग, चाहे घाटी के नौजवान हैं, चाहे जम्मू के जो है नौजवान हैं, वो शांति चाहते हैं, तरक्की तामीर चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ एक नया माहौल बना है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही, उसमें वो अपनी जो है फ्यूचर देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। मैं आपके माध्यम से जो है एक बार फिर आपका धन्यवाद करूंगा कि हमारे बुलावे पर आप आए और आपने जो है हमारी बात को सुना।